हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेंड लिमिटेड शेयर के बारे में। तो पहले हम लोग इस शेयर का फंडामेंटल डेटा चेक करेंगे, उसके बाद इस शेयर का टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जानेंगे इस शेयर का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए, आज के डे पे अभी तक ये शेयर आपका हाई गया था 1542, लो गया था 1460 एंड आज के डे पे अभी तक इस शेयर ने लगभग रिटर्न दिया है 4.95% और अभी इस शेयर का प्राइस चल रहा है अराउंड आपका ₹1531.10। ओके, इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है ₹54,247.39 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है ₹54,670.39 करोड़ एंड पीई रेशियो है 124.42। इस कंपनी के ऊपर अभी आपका डेप्थ है ₹497.38 करोड़ का, तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो निकल कर आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.18। अगर किसी भी कंपनी का डेप्थ इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे एक से कमी है। एंड इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 1.63। अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो एक और एक से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे एक से ज्यादा ही है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹12.26, रिटर्न ऑन इक्विटी है 9.54% एंड आरओसी है 20.97%, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा ही है। इस कंपनी में लास्ट ईयर में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था 589.28%, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है एंड सेल्स ग्रोथ हुआ था 89.53%। ये जो कंपनी है ट्रेंट, इस कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग है 37.01%, पब्लिक का होल्डिंग है 21.9%, FII का होल्डिंग है 21.39% एंड DII का होल्डिंग है 19.69%। और ये जो आपका 37.01% प्रमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेस नहीं है, प्लेसिंग शेयर का जो परसेंटेज है बिल्कुल जीरो है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। इस कंपनी ने लास्ट एक साल के अंदर रिटर्न दिया है 42.38% और अभी तक मैक्सिमम रिटर्न दिया है आपका 10,515.71% का। ओके, और ये जो कंपनी है ट्रेंड, ये कंपनी आपका मनी कंट्रोल का टेक्निकल के हिसाब से डेली चार्ट में देखिए क्या है, वेरी बुलिश है। एक बार वीकली चार्ट में भी देख लेंगे, तो वीकली चार्ट में भी देखिए ये शेयर आपका वेरी बुलिश है। एक बार मंथली चार्ट में भी देख लेंगे और मंथली चार्ट में भी ये शेयर आपका वेरी बुलिश है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे एंड ऑपर जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का आपका वन डे का चार्ट ओपन कर लिया हो। तो पहला चीज देखिए, इस जगह पे ये आपका है 18 अक्टूबर 2022 का दिन। यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता दिखा था, जिस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था। तब से देखिए लगातार इस शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ भाग रहा है एंड आज के डे पे भी यहाँ पे हम लोगों को एक आपका बहुत ही पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता दिखा। एंड डेली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका 50 डेज 100 डेज एंड 200 डेज, तीनों मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और एक चीज देखिए, पूरा अगर चार्ट को देखेंगे तो क्लियरली आप लोगों को एक अपट्रेंड दिखेगा। एंड आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई भी यहाँ पे आपका अबव 60 है और एमएसडी भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर है। मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिख रहा है। ओके, तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वन वीक का चार्ट भी ओपन कर लिया हो। तो पहला चीज देखिए, इस जगह पे ये आपका है जुलाई 2022 का फर्स्ट वीक, यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता दिखा था, जिस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था। तब से देखिए लगातार इस शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ भी भाग रहा है और अभी आपका वीकली चार्ट के हिसाब से ये शेयर आपके 50 डेज 100 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई भी यहाँ पे आपका अबव 60 है और एमएसडी भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर है। मतलब वीकली चार्ट में भी ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिख रहा है। ओके, तो अभी इस शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अराउंड आपका ₹1532, ये प्राइस इसका जो एक आपका स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट लेवल है ₹1590 उसके नजदीक ही चल रहा है। तो अभी इसमें फेस एंट्री लेना सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। जो इस शेयर आपका ऑलरेडी खरीद चुके वो आपका इस शेयर में बने रहे, लेकिन अगर फेस एंट्री लेना चाहते हैं
तो एक बार इस शेयर को 1590 का जो लेवल है इसके ऊपर जाने दीजिए, उसके बाद आप लोग इस शेयर में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। एक बार अगर ये शेयर 1590 का जो लेवल है इसके ऊपर क्लोज करता है एंड इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आने वाले दिनों में लगभग आपका 3 महीने में ये शेयर आपका 1900 का जो टारगेट है इसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनल शेयर एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कॉन्सल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं एंड मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बनाकर आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।